तो हाँ भाई करें शुरू। तो फाइनली मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर रेजर 40 सीरीज। ये हमारे हाथ में ना अभी अल्ट्रा है, इसका एक और वेरिएंट है प्रो जो कि इससे सस्ता होने वाला है। अब अल्ट्रा को तो हम पहले अपने चैनल पर दिखा चुके हैं, उसकी चाइनीज यूनिट को अच्छे से हमने कवर किया था, बट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमने इंडियन यूनिट के साथ ही लिया। और अनबॉक्स करते ना आपको दूसरे फ्लिप फोन की तरह इस फ्लिप फोन पे भी वार्निंग मिल जाती है कि ना तो इसका स्क्रीन गार्ड हटाना ना इस पे स्क्रीन गार्ड लगाना, वरना वारंटी वॉइड हो जाएगी भाई साहब। तो मेरे को लगता है जैसे दूसरे फ्लिप फोनों के साथ अगर स्क्रीन गार्ड खराब होता है तो आप सर्विस सेंटर से जाके उसे बदलवा सकते हो, ऐसे आई थिंक इसके साथ है, बट अभी कंफर्म नहीं है, वो मैं कंफर्म करके आपको रिव्यू या कंपैरिजन वीडियो के अंदर बता दूंगा। अब इस फोन की चाइनीज यूनिट हम ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं, तो इसमें नया क्या है? और वो है कि भाई इन्होंने अपने कैमरास चाइनीज यूनिट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चेंज करे हैं। यहां पर 4K 60 FPS तक फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी तगड़ी स्टेबलाइजेशन में, एंड यहां तक कि बैक कैमरा को भी आप फ्रंट कैमरे की तरह यूज करके उससे भी तगड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि भाई जैसे दूसरे फ्लिप फोन है उसमें छोटी सी कवर डिस्प्ले मिलती है, उसमें दिखता नहीं है कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, बट इसमें इतनी बड़ी कवर डिस्प्ले की एडवांटेज मिलती है कि आप इसके मेन कैमरास को भी एज अ फ्रंट कैमरा यूज करके तगड़ी हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो व्लॉगर्स के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। एंड इसकी जो आउटर विजिबिलिटी है ना कवर डिस्प्ले की, वो भी ज्यादा सॉलिड है। और इसके बाहर वाली कवर डिस्प्ले को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं इसके कैमरास को यूज करते हो, क्योंकि भाई पूरा दिखता है कि क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या आप कैप्चर कर रहे हो। और मैंने चाइनीज यूनिट वाली वीडियो के अंदर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिए थे कैमरास पे, क्योंकि मुझे पता था इंडिया के अंदर जो ये कैमरा लाने वाले अपने फोनों में ना उसमें मेजर इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि मोटोरोला काफी फोकस कर रहा है इंडिया को कैमरास पे स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने एज 40 के अंदर भी देखा बहुत सॉलिड कैमरास थे 30,000 के हिसाब से। एंड इसके कैमरास भी मस्त है, लाइक यहाँ पर वीडियो तो आपने देख ली फ्रंट बैक कैमरास की, साथ ही फोटोज भी यहाँ पर डिटेल्स काफी अच्छी है, शार्पनेस कमाल की मिलती है और डायनेमिक रेंज भी मस्त है। एंड स्पेशली पोर्ट्रेट मोड भी भाई बहुत सही कैप्चर कर लेता है इसका फ्रंट बैक दोनों ही कैमरा। और इसमें अल्ट्रा वाइड को यूज करके ना मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि आप सेल्फी भी ले सकते हो, इसकी कवर डिस्प्ले को यूज करके तो ग्रुप सेल्फी भी आप हाई रेज में कैप्चर कर सकते हो। हालांकि अब यहां पर मैं बता दूं कि फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का है, मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल का, तो यहां पर थोड़े कैमरा नंबरिंग अलग है, लेकिन यहां पर जो डिटेल्स और शार्पनेस है वो मेन कैमरा की मेरे को ज्यादा सॉलिड लगी है। तो ये चीज तो कही जा सकती है कि भाई कैमरास मोटोरोला ने बहुत सॉलिड कर दिए हैं अभी और लेवल अप करे जा रहा है मोटोरोला। बाकी नाइट मोड के अंदर भी हमने कुछ शॉट्स कैप्चर करे, यहां पर आप खुद देख के जज करके मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इसकी फोटोज कैसी लगी हैं। तो डेफिनेटली इसके कैमरास भी भाई काफी अच्छे हैं। बाकी इस फोन की बिल्ड में किसी तरीके कटौती नहीं है, बैक में विक्टस है, ऊपर भी विक्टस है भाई स्क्रीन के, और इससे ना आप डबल टैप करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, इसे कस्टमाइज कर सकते हो। और मेरे को एक बात अच्छी लगी कि यहां पर जो हिंज यूज करी गई है ना, जब आप इसे बंद करते हो तो कोई गैप नहीं रहता बीच में, लाइक हमने दूसरे फ्लिप फोन देखे थे उसमें गैप रहता है जिसकी वजह से डस्ट अंदर चली जाती है, तो यहां पर डस्ट जाने के चांसेस भी कम है। और पिछले 3 दिन से मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूं भाई, मेरे को अभी तक अंदर वाली डिस्प्ले में फालतू की डस्ट आती तो नहीं दिखी है। और ये फोन वाटर रेपेलेंट है, IP52 मिलता है, तो थोड़ी बहुत बूंदों को भी झेल लेगा। और भाई यहां पर मैं एक बात रखना चाहूंगा, जो दूसरे फ्लिप फोन के अंदर है ना, जब आप इसे खोलते हो ऐसे लगता है आगे की तरफ टिल्ट हो, तो वो चीज यहां पर भी मिलती है, बट ऑल ओवर भाई फ्लिप वगैरह करने में कोई कमी नहीं है, हिंज बढ़िया यूज करी है। और पिछले 3 दिन में ना क्रीज का साइज भी अभी तक बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिखा है, और दिखता है तो आपको भाई रिव्यू में बता ही देगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। अभी ना मेरे फ्लिप वाली वीडियो के अंदर काफी लोगों ने बोला कि भाई इसकी जो मेन डिस्प्ले है ना ये 165 हर्ट्ज की है, लेकिन तुम बता रहे 120 हर्ट्ज ही चल रहा है। तो देखो नॉर्मली जब आप चलाओगे तो 120 हर्ट्ज में ही चलती है, लेकिन अगर ऐसा कोई गेम है जो 165 हर्ट्ज में चल सकता है तो वो आप इसमें प्ले कर सकते हो 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, बेजल और चिन ना के बराबर है, और जो मेन हाईलाइट है फोन की वो ऑब्वियसली इसकी कवर डिस्प्ले है। मतलब इतनी बड़ी कवर डिस्प्ले हमने किसी फोन के अंदर नहीं देखी है, इसके अंदर लिटरली आप गेम खेल सकते हो। चाइनीज यूनिट के अंदर भाई गेम प्ले नहीं कर सकते थे BGMI जैसे, लेकिन मैंने बोला था कि भाई इंडिया के अंदर आई थिंक ये कर देंगे ऐसा कि आप गेम प्ले कर सकते हो कोई भी, और यहां पर BGMI इसकी बाहर वाली डिस्प्ले में मस्त चल रहा है। हालांकि इतनी छोटी डिस्प्ले में BGMI कौन खेल पाएगा वो मुझे कमेंट बताना, लेकिन मोटोरोला ने पूरा यूज लिया है भाई डिस्प्ले का। उसके अलावा भाई कैमरास में यूजफुल है, पूरा फोन आप एसेस कर सकते हो। और ये जो बड़ी सी डिस्प्ले ना, इसका मेरे को एक बढ़िया यूज तो ये लगता है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो बाहर वाली डिस्प्ले में मूवी वगैरह देख सकता हूं टेंट मोड में लगा के, तो भाई बार बार अनफोल्ड करने का झंझट खत्म। और इसमें 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है बाहर वाली डिस्प्ले की, तो आउटर विजिबिलिटी में मस्त चमकता है जुगनू की तरह, तो भाई इससे ना मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी कवर्ड वाली डिस्प्ले से। और बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगा, जब भी मैं इस फोन को लेकर निकलता हूं कहीं मेरे को रास्ता नहीं पता तो अनफोल्ड करके मेरे को मैप लगाने की जरूरत नहीं है भाई, बाहर वाली डिस्प्ले में ही मैप चला सकते हो आप, और छोटा सा बन जाता है तो भाई इसे कैरी करना भी काफी आसान है, बार बार अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं है और अपने सही रास्ते पे पहुंच जाओगे इसकी बाहर वाली डिस्प्ले के साथ। तो बाहर वाली डिस्प्ले डाल के जो इन्होंने यूज लिया है ना भाई, वो मेरे को काफी सही लगा है इस फोन के अंदर।
पर्सनली मेरा तो फेवरेट फ्लिप फोन बन गया अभी तक। बाकी बाहर वाली डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज की है, लेकिन सिर्फ गेमिंग के अंदर, अगर आप नॉर्मली चला रहे हो तो 120 हर्ट्ज ये सपोर्ट करती है। तो वैसे ही सीन है जैसे कि अंदर वाली डिस्प्ले के साथ है। आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गए हाई रिफ्रेश रेट वाला। बाकी 8 प्लस जेन 1 की ताकत दी है भाई, नॉर्मली चलाते तो हीट नहीं होता फोन, वैसे भी आप हैवी टास्क करोगे ना, जब भी नहीं हीटिंग मिली है मेरे को इसके अंदर। और इसके अंदर आप ऐसे करके भी BGMI प्ले कर सकते हो भाई, तगड़ी तरीके से एक चिकन डिनर हो जाएगा। बट मैं फ्लिप फोन के अंदर पर्सनली गेम प्ले करना प्रीफर नहीं करता बिकॉज अंदर वाली डिस्प्ले थोड़ी सी नाजुक होती है इस वजह से। लेकिन अगर आप करना चाहते हो इसके अंदर मस्त गेमिंग हो जाएगी, सेटिंग्स भी तगड़ी मिलती है, स्पीकर्स अच्छे हैं इस फोन के, और इसके हैप्टिक्स भी बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल वाले हैं, जैसे फ्लैगशिप के अंदर मिलते हैं। बाकी इसके अंदर है 3800 mAh की छोटी सी बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग, बट चार्जर बॉक्स के अंदर 33W का मिलता है, 5W की वायरलेस चार्जिंग है, और बैटरी बैकअप अभी तक तो मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी रिव्यू या कंपैरिजन वीडियो के अंदर बात करते हैं इसकी। वैसे मोटोरोला ने इसका एक छोटा भाई भी लॉन्च कराया, मोटोरोला रेजर 40 करके, और उसके अंदर आपको कवर डिस्प्ले छोटी मिलती है, प्लस स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ वो फोन है। बाकी थोड़ी सी स्पेक्स अलग है और उसका प्राइस भी कम होने वाला है। बाकी आप बताना आपको इसका प्राइस कितना लग रहा है, मेरे को अभी इसका प्राइस का अंदाजा नहीं है। जैसे इसका प्राइस आएगा आपका भाई कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मेंशन कर देगा। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, आप बताना आपको कैसा लगा ये फ्लिप फोन, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो मिलते जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगा इसको करो टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।